न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। एक बड़ी खबर आ रही है धनोरा क्षेत्र से, जहां पर तेज बारिश और हवा आंधी से कहीं फसलें आड़ी पड़ी तो कहीं आकाशीय बिजली गिरी। आपको बता दें, धनोरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत वाकिया के गांव उमरी उर्फ लाकड़िया में शनिवार और रविवार रात्रि के दरमियान 10-11 बजे के करीब बिजली की कड़कड़ाहट के साथ तेज बारिश और हवा आंधी शुरू हो गई। हवा आंधी इतनी तेज चली कि ग्राम उमरी के किसानों के मक्के की खड़ी फसल आड़ी हो पड़ गई। किसानों का कहना है कि हमारे गांव के कई गांव वाले की जमीन में मक्के की फसल खराब हो चुकी है और तेज हवा आंधी के कारण गेहूं की फसल खराब हो गई है। किसानों की आजीविका खेत की फसलें हैं और इस प्रकार नुकसान होने की वजह से घर की आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है। तेज बारिश और हवा आंधी के किसानों की फसलें खराब हो चुकी है और गांव वाकिया के जनपद सदस्य अनीता जितेन डावर ने भी पटवारी को सूचना दी थी, लेकिन सरपंच मुकेश कन्नौज द्वारा भी पटवारी को दी सूचना दी है। किसानों की फसल को देखने के आने के पटवारी ने कहा, लेकिन अभी तक कोई पटवारी नहीं आया है। क्या हुआ? पानी आया था रात को, इतवार का दिन वो पानी आया था, मक्की गिरा दिया। कोई पटवारी को बुलवा रहा, वो भी नहीं आ रहा, कोई रेखदेख कर रहा नहीं। अब तो ऐसा ऐसा ये किसके खेत में है? चंपाला नहीं है। क्या पटवारी कुछ बोला? बोला था कल परसों से बोल रहा, ऐसा जब भी आ रहा बोल रहा, वो आ नहीं रहा। ऐसा बहुत पूरा नुकसान, क्या नुकसान, पूरा नुकसान हो गया, पूरा बचा नहीं, पूरा तो गिर गया। राइट साइड पे तो बचा है, बस इतना बचा है। वहीं दूसरी तरफ ग्राम लाकड़िया उमरी के किसान सकाराम पिता शंकर की भैंस के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं धनोरा पशु चिकित्सालय के क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर सोलंकी घटना स्थल पर दूसरे दिन पहुंचे और जानकारी ली। आज रात को ये जो भैंस की दुर्घटना हुई है, वो किस कारण हुई है? क्या रात को पानी गिरा था, तूफान था ना, बाड़े में से भैंस ने रस्सी तोड़ के भग गई और रुखड़े पे जाके खड़ी हुई थी, वहाँ बिजली गिरी थी, इसलिए इसका मौत हो गई।